नमस्कार दर्शकों, मैं आपके साथ नजमा अब्दी और आप देख रहे हैं सुप्रीम पावर न्यूज। अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए सुप्रीम पावर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। और आइए अब हम एक नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। देखिए, आज हम जनपद पंचायत बैहर के अंतर्गत ग्राम पंचायत पोंडी में खड़े हैं, जहाँ पर बैगा आवास कॉलोनी के नाम पर यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास भवन का निर्माण किया जा रहा था, किंतु यह निर्माण अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। शासन केंद्र सरकार की योजना है कि गरीब बैगा आदिवासियों को पक्का मकान में रहने की लिए योजना बनाई गई थी, किंतु ठेकेदार एवं सरपंच सचिव की मिली भगत के चलते आज भी बैगा आदिवासियों को पक्के मकान का लाभ नहीं मिल रहा है। जैसा कि देखिए, ग्राम पंचायत पुंडी का मामला, ये देखिए, ये मकान देखिए, ये इनकी राशि निकल चुकी है, इनकी राशि निकल चुकी है और मकान भवन ये अधूरा पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आदिवासी बैगाओं के मकान आज तक पूर्ण नहीं बनाए गए हैं। पुलिस विभाग पर उठ रहे सवाल। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना है कि वर्ष 2022 तक पूरे भारत देश में पक्के मकान का निर्माण किया जाएगा, ताकि कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान या झोपड़ी में निवास न कर सके। इसलिए मकान प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है। सबसे पहले उन लोगों को पात्र बताया गया है जिनका मकान या झोपड़ी नहीं है, उन्हें पहली सूची में लाकर मकान का लाभ दिया गया है। किंतु कुछ ग्राम पंचायतों के सरपंच सचिव की लापरवाही के कारण आज भी मकान अधूरे बने हैं और राशि पूरी तरह निकाल ली गई है। इसी प्रकार का एक मामला जनपद पंचायत बैहर के अंतर्गत ग्राम पंचायत पोंडी का सामने आया है। वर्ष 2016 में आदिवासी बैगा कॉलोनी के नाम से 34 मकान स्वीकृत कर कॉलोनी बनाई जा रही थी, किंतु ठेकेदारों एवं सरपंच सचिव की मिलीभगत के कारण आज भी मकान अधूरे पड़े हैं और ठेकेदारों के द्वारा पूर्ण राशि निकाल ली गई है। हितग्राही का कहना है कि ठेकेदार अंकुश गिरी एवं गुलाब बिसेन दलदला निवासी के द्वारा बैंक से विड्रॉल लाकर अंगूठा लगवाकर बैंक से राशि अहरण कर ली जाती थी। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए उकवा से अशोक राउत की रिपोर्ट। पर आज भी ये मकान अधूरे दिखाई दे रहे हैं। ये अधूरे दिखाई क्यों दे रहे हैं? ये अधूरे वो ठेकेदार की गलती है सर। ठेकेदार की गलती है? हाँ। देखो, मकान जब बनता है तो इसमें सरपंच सचिव की भी जवाबदारी रहती है। हाँ। मकान बनते समय सरपंच सचिव आते थे क्या? वो नहीं आते तो थे। नहीं आते थे। नहीं आते थे क्या? नहीं आते थे। नहीं, देख रेख करने नहीं आते थे सरपंच सचिव? हाँ। जबकि सरपंच सचिव को आना चाहिए, है ना? हाँ। अच्छा, आप ये बताइए, यहाँ पर लगभग कितने मकान बने हैं? यहाँ पे कम से कम 40-50 मकान बने हैं। हाँ। जिसमें कुछ मकान पूर्ण हो गए और कुछ मकान अधूरे हैं। हाँ। और वो जो मकान पूर्ण भी हुए हैं वो भी पूरे तरह से नहीं बने हैं। नहीं बने, है ना? हाँ। ठीक है, अच्छा नाम बताएंगे हितग्राही के? कुछ हितग्राही का नाम बताइए आप। हाँ, बताओ। एक है ये चैनू मड़काम। हाँ, जल्दी बताइए। हाँ। और फिर है फुल सिंह। जल्दी बताइए नाम। सिंह बड़का। हाँ, हाँ बताओ। और ये बाकी के तो नाम। अच्छा चलो। हाँ। पर यहाँ पर 40-50 मकान बन रहे हैं। हाँ। अच्छा, इसमें ये बताइए आप, ये जो मकान अधूरे है। हाँ। इसमें जिम्मेदारी किसकी थी? जिम्मेदारी तो सरपंच सचिव की थी, क्योंकि सरपंच सचिव को देख रेख करना था। अच्छा ये बताइए, जो मकान की जो राशि है पैसे। हाँ। वो किस टाइप लिए जाते थे? मतलब क्या आप बैंक जाते थे? नहीं सर। हाँ, कैसे निकालते थे? वो सिर्फ हमको अंगूठा लगवा देते थे बस। अच्छा, यहाँ आके घर पे? हाँ। कौन ठेकेदार? हाँ। ठेकेदारों के साथ और कोई सरपंच सचिव आते थे? नहीं सर। अच्छा, ठेकेदार आके अंगूठा लगा देता था और लिया लेता था बैंक? हाँ। बस हो गया? हाँ। और वो पैसा निकाल लेते थे? आपको लाके देते थे पैसा? नहीं सर। नहीं। अच्छा ये बताइए, जो रेत है, रेत कहाँ की? सचिव महोदय, क्या लिखते हैं आप? दुर्गा प्रसाद कट रहे हैं। आप कहाँ के सचिव हैं? ग्राम पंचायत पोंडी। लोकल रेत। ये बताइए, ग्राम पंचायत पोंडी के अंतर्गत यहाँ एक बैगा कॉलोनी का निवास हुआ है, निर्माण हुआ है, जिसमें कितने मकान है?
बाजार कॉलोनी में टोटल 34 मकान। 34 मकान, ये कौन से वर्ष से बन रहे हैं? ये 2016 से। 2016 से। इसमें क्या हितग्राह स्वयं बनाए कि ठेकेदारी पद्धति से बनाए गए थे? अब कुछ हितग्राहियों ने बनाया है यार, कुछ हितग्राहियों ने शायद अब ठेकेदारों को काम दे दिया था, अब जो भी दिया होगा। हाँ, मतलब आपको जहाँ तक अगर जानकारी में आपके, मेरी क्या पोस्टिंग 2018 से हुई है, मैं वस्तुस्थिति नहीं जानता। अच्छा, पर 18 के बाद की वस्तुस्थिति जानते हैं आप? जी 18 के बाद। तो आप ये बताइए, 18 के बाद जैसे 2016 से बन रहे हैं, पर अभी भी कुछ देखने में मिला है कि वहाँ पर मकान आज भी अधूरे हैं? जी हाँ, आज भी अधूरे हैं, 14 मकान अभी भी अधूरे हैं। 14 मकान अभी भी अधूरे हैं। हाँ। तो क्या उनकी राशि निकल चुकी है पूरी? अब जितनी प्रोग्रेस थी उतनी राशि मिली है अभी। फिर भी कितनी, मतलब जैसे 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 कोई प्लिंथ लेवल हो गया। अच्छा, पहली किस्त मिल गई है, अब जैसे प्लिंथ हो गया तो उसको सेकंड किस्त मिल गई है। अच्छा, अब कुछ अधिकारियों ने बोल दिया कि हमने काम इनको दे दिया था, जैसे अंकुरगिरी गोस्वामी है, एक गुलाब बिशेन है, मतलब मकान की राशि निकल चुकी है, पूरी निकल चुकी, संपूर्ण राशि निकल चुकी है पूरे मकानों की। हाँ, मतलब जितनी प्रोग्रेस है उतनी निकली राशि। अब वो हितग्राहियों का कहना यह है कि पूरी राशि निकल गई है। हाँ। ठीक है, उनका कहना है पूरी राशि निकल गई है। तो ये बताइए, सरपंच सचिव का भी दायित्व बनता है जब निर्माण कार्य होता है कि जाकर देखना है कि नहीं, निगरानी रखना, तो आपके द्वारा क्या क्या कार्रवाई की गई? पूरी कोशिश की गई हमारे द्वारा। अच्छा, क्या क्या कार्रवाई की? हमने उन्हें बार बार नोटिस दिया। अच्छा, दी कि भी आप अपना, किसको नोटिस दिया? हितग्राहियों को दिया। हितग्राही को नोटिस दिया, ठीक है। ठेकेदार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की? नहीं, उनकी भी की हमने, तो FIR करने की कोशिश की हमने, ग्राम पंचायत स्तर से भी कोशिश की, कहाँ पर जनपद स्तर से भी कोशिश कोशिश की, और जिला स्तर से भी अभी वर्तमान में FIR की कोशिश जारी है। जारी है जी। तो नहीं, किसके नाम पे FIR की कोशिश जारी है? आप हितग्राही ने बताया कि हमारा पैसा ठेकेदार ने, तो ठेकेदारों के नाम पे की। अच्छा, ठेकेदार के नाम। ठेकेदार कौन कौन है? अंकुरगिरी गोस्वामी, गुलाब बिशेन, और बस ये दो लोग हैं। दो ही नामित हैं, दो लोग हैं इनके द्वारा ठेकेदारी पद्धति से मकान बनाए गए हैं। हाँ जी। पर राशि पूरी निकाल ली गई है और पूरा काम नहीं किया गया है? यार कहना यही है कि जितनी राशि हमने उन्हें दिया है उतना काम नहीं किया है। अच्छा, जितनी राशि उनको मिली उतना काम नहीं किया गया है जी। अच्छा, अब इसमें आगे क्या कार्रवाई और हो सकती है? आगे बस एक ही बची, लास्ट स्टेप FIR। FIR तो FIR की प्रोसेस शायद इसके पहले भी कर चुके, चौकी में भी आपके द्वारा दी गई जी। हाँ, ग्राम पंचायत से भी गए, जनपद स्तर से भी खुद किए साहब ने। फिर क्या कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है इनकी? पता नहीं है, ये तो पुलिस प्रशासन ही बता सकता है। पुलिस प्रशासन बता सकता है, मतलब FIR आपके द्वारा कर दी गई है ना, जिला स्तर से? हमारे द्वारा ही नहीं, पंचायत, जनपद पंचायत, जिला स्तर से भी कार्रवाई हो रही है। अच्छा जी, चलो चलो, ठीक ठीक ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए सुप्रीम पावर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।